हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारी मैजिकल चौहार वैली सीरीज़ के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट में हम दिल्ली से बीड़ बिलिंग आए थे और दूसरे पार्ट में पहुंचे थे जोगिंदर नगर से ब्रोड तक। अभी आज के इस तीसरे पार्ट में हम आपको छोटा बंगाल के लोहारड़ी, पोलिंग व भुजलिंग गांव में लेकर जाएंगे और वहां के लोगों के जीवन, घरों और व्यवसाय के बारे में पूरी बातें भी जानेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि बाकी दुनिया से अलग थलग बसे ये गांव कितने खूबसूरत हैं और प्रकृति ने यहाँ दिल खोल कर अपनी छटा बिखेरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं यहाँ ब्रोड में हूँ और यहाँ होटल हिडन हेवन में रुका हुआ हूँ और यहाँ रात में इतनी ठंड थी कि सुबह जल्दी रजाई से निकलने का मन ही नहीं हुआ। हिम्मत करके फिर 9 बजे तक मैं उठा और तैयार होकर लोहारड़ी की ओर निकला। मेरा होटल बैराज के उस पार है और वहाँ अभी सुबह सुबह ही थोड़ी बहुत धूप आती है और उसके बाद दिन भर वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती, इसीलिए शायद वहाँ पर काफ़ी ठंड है। तो मैं यहाँ ब्रोड बस स्टॉप पर आ गया हूँ और यहाँ से 10 बजे के करीब एक प्राइवेट बस लोहारड़ी के लिए जाएगी, तो मैं भी उसी में चला जाऊँगा। लोहारड़ी के लिए सिर्फ एक ही HRTC बस जाती है जो कि शाम को यहाँ से जाती है और सुबह वापस आती है। जब तक बस नहीं आती तब तक यहाँ खड़े रहकर धूप सेंक लेते हैं। फिर 10:15 बजे के करीब ये प्राइवेट बस मनु यहाँ पर आ गई जो कि अभी जोगिंदर नगर साइड से आई है और सीधे लोहारड़ी जाएगी। ब्रोड से लोहारड़ी की दूरी 6 किलोमीटर है और इसमें करीब आधा घंटा लग जाता है। मैं आज दिन भर उस तरफ घूमकर वापस यहाँ ब्रोड में आकर ही रुकूंगा और फिर कल मैं जाऊंगा राजगुंधा की तरफ। यहाँ ब्रोड से आगे हमें लंबादुग नाले के साथ साथ आगे जाना है और ब्रोड से आगे ज़िला कांगड़ा भी शुरू हो जाता है। यहाँ बीच में कई लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं जिनकी वजह से सड़क थोड़ी ख़राब हो गई है। बीच में यहाँ कुछ छोटे सुंदर वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रोड से लोहारड़ी पास ही है और बीच में बस एक ही गांव लवाई आता है जो कि नदी के उस पार ऊंचाई पर है और पुल पार करके जाना पड़ता है। जल्दी ही फिर हमारी बस लोहारड़ी पहुंच गई और बस यहीं तक आती है। अभी ये बस यहां से वापस जोगिंदर नगर चली जाएगी। तो ये है समुद्र तल से 2010 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा, तहसील मुल्तान के छोटा भंगाल में स्थित लोहारड़ी गांव। ये छोटा भंगाल रीजन के दुर्गम गांव हैं लेकिन अभी सड़कें बन गई हैं तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है। बड़ा भंगाल आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं।
इस घाटी में कई पुराने घर, खूबसूरत व्यूज, नदी नाले, पानी का शोर, जंगल आदि सब कुछ है। देश और दुनिया में ये रीजन ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन एडवेंचर पसंद लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया जगह है। मैं सुबह उठकर रेडी होकर सीधा यहाँ निकल आया था और ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला। अभी यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। क्या मिलेगा जी खाने में? कुछ भी खिला दो लोकल यहाँ का। फिर मैंने यहाँ गर्मा गर्म राजमा के साथ चपाती खाई। यहाँ टीवी में न्यूज़ चल रही हैं और आप सुन सकते हैं कि न्यूज़ वाले कैसे शोर मचा रहे हैं। यहाँ बस स्टैंड के पीछे ऊपर एक छोटा सा मंदिर है और नीचे यहाँ खुली जगह में कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ये छोटा बंगाल बेसिकली दो पार्ट्स में बंटा है। एक रीजन इस लंबादुग वैली में है, जिसमें लोहारडी, पोलिंग, भुजलिंग और लवाई मुख्य गांव हैं। दूसरा रीजन है उहल नदी घाटी में, जिसमें मुल्थान, दियोट, कोठी कोहड, नलहोत्ता, बड़ा ग्राम व राजगुंधा आते हैं। इनमें से मुल्थान और ये लोहारडी कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड हैं और यहाँ आपको सभी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप घाटी में अंदर जाते रहोगे तो आप इंटीरियर रीजन में जाते जाएंगे। इस लंबादुग वैली में लोहारडी गांव ही बस सेवा से जुड़ा है, बाकी गांव ऊपर पहाड़ियों पर या आगे ज़्यादा इंटीरियर में हैं। तो लोहारडी में कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं। ब्रोड से लोहारडी तक दिन में कई बसें जाती हैं और यहां रुकने के लिए होम स्टेज भी आपको मिल जाएंगे। लोहारडी से यहाँ राइट साइड भी एक छोटा सा गाँव है और लेफ्ट में पहाड़ी के इस तरफ तरमेहर गाँव है। लोहारडी में जहां काफ़ी घर पक्के बन गए हैं, वहीं आप देख सकते हैं तरमेहड़ में लगभग सारे लकड़ी के बने पुराने घर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहां का जीवन कितना शांत लेकिन उतना ही कठिन भी है। बरोट के बाद इस तरफ सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क है और कोई भी कंपनी का नेटवर्क यहाँ पर नहीं आता, और BSNL में भी आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम मिलेगी। उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ की नेटवर्क की स्थिति थोड़ी ठीक हो पाएगी। लोहारडी से ये पुल पार करके तरमेहड़ और जुधार गांव के लिए रास्ता जाता है, लेकिन मुझे घाटी के अंदर पोलिंग की ओर जाना है। लोहारडी इस घाटी का मुख्य कस्बा है और यहाँ कई सारे सरकारी दफ्तर, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की महिलाएं आजकल सर्दियों में ऊन के शॉल, टोपियाँ और मफलर आदि बनाती हैं और इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग मार्केट्स में भेजा जाता है और इन सब पर बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं। ये भेड़ों की ऊन से बनती है? अच्छा अच्छा ये डिजाइन भी आप बना रहे खुद? अब मुझे यहाँ से आगे पोलिंग गांव जाना है। पोलिंग तक सड़क तो बनी हुई है पर वहां तक बस नहीं जाती। पोलिंग की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो मैं पैदल ही टहलते हुए वहां तक चला जाऊंगा।
वैसे बहुत सी गाड़ियाँ बाइक्स उस तरफ जाती रहती हैं, चाहो तो आप लिफ्ट भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन पैदल चलने में भी यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। रास्ते में ऐसे पानी के बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन पानी इतना ठंडा है कि प्यास होने पर भी ज़्यादा नहीं पी पाओगे। लोहारडी से 1 किलोमीटर आगे चलकर मैं यहाँ छैरना गांव में पहुँच गया। गांव का बोर्ड यहाँ सड़क पर है, लेकिन गांव नाले के उस पार पहाड़ी पर है। यहाँ तक आने में मुझे 15-20 मिनट लग गए। ये सामने नाले के उस पार वो छैरना गांव दिखाई दे रहा है। गांव से नीचे यहाँ लंबादुग हाइड्रो प्रोजेक्ट का डैम भी बन रहा है, जिसका पावर हाउस नीचे ब्रोट में आपको दिखाया था। यहाँ से पानी टनल फिर पैन स्ट्रोक से होते हुए ब्रोट में जाकर निकलेगा। डैम के लेफ्ट में ऊपर को छैरना गांव है और सामने दिखाई दे रहा है पोलिंग गांव। पोलिंग गांव वैसे तो सामने ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बाय रोड जाने में अभी 1 किलोमीटर दूर है। वैसे कई शॉर्टकट रास्ते भी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ तीखी चढ़ाई होगी, इसलिए मैं सड़क से ही जा रहा हूँ। धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए अब थोड़ा ऊंचाई पर पहुँच गया हूँ और छैरना और पोलिंग गांव आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे ये दो चाचा मिले और इन्होंने बताया कि यहाँ पर रोज़गार के साधन बहुत कम हैं। गर्मियों और बरसात में थोड़ी बहुत खेती हो पाती है, जिसमें गेहूँ, जौ, मक्की और सब्जियों में गोभी और मटर की फसलें उगाई जाती हैं। आजकल सर्दियों में यहाँ पर कुछ नहीं होता। गोभी मटर अभी तो मतलब बर्फ के टाइम तो नहीं होते होंगे, अभी गर्मियों में लगेंगे। अच्छा, एक ही फसल होती होगी साल की? एक ही फसल, एक ही। यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने गाय या बकरी पाली होती है और उन्हीं के काम में अधिकतर समय बिजी रहते हैं। धीरे धीरे मज़े से आते हुए लोहारडी से यहाँ तक मुझे करीब 45 मिनट लग गए। अभी मैं पहुँच गया हूँ पोलिंग गांव में और यहाँ पर सड़क भी ख़त्म हो जाती है। ये पोलिंग और छैरना इस घाटी के दुर्गम गांव हैं। अभी ये दोनों गांव सड़क से जुड़ गए हैं, तो यहाँ का जीवन थोड़ा आसान हो गया है। इसके आगे लास्ट भुजलिंग गाँव है, जहाँ पैदल ही जाना होता है, और उसके आगे फिर कोई आबादी नहीं है। गांव के शुरुआत में यहां एक दुकान है, तो मैंने सोचा कि आगे जाने से पहले एक कप चाय पी ली जाए। इन छोटी छोटी दुकानों से ख़रीदारी कर लेनी चाहिए और यहां पर आपको गांव के बारे में सारी जानकारी भी मिल जाती है। दुकान के ओनर शंटू भाई ने मुझे बताया कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसी कहानी बताते हैं कि इन घने जंगलों में पहले डायनों का बहुत आतंक होता था। वो यहाँ गांव के लोगों से खाने पीने का सामान छीन कर ले जाती थी, जिससे गांव वाले काफ़ी भयभीत थे। हाँ जी। क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, यहाँ पे जब आबादी बढ़ गई ना हमारी, हाँ जी, 2000 साल पहले हमारे बुजुर्ग बताती थी हमारी। हाँ जी। तो तब क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो है अपने लिए पीने के लिए लगाते थे, जो मदिरा बोलते हैं ना, सुर। हाँ जी हाँ। देवता लोग मदिरा बोलते थे। तो वो सुर वगैरह लगाते थे और इकट्ठे होकर एंजॉय करते थे। यहाँ जैसे हमारे ग्राउंड होता है, ये पेड़ जो दिख रहा है कहाँ, ये वाला, हाँ, बड़ा पेड़, हाँ जी हाँ, यहाँ पे करते थे फिर फंक्शन मिल के। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि जो डाइने होती है ना, डाइने, हाँ जी, डाइनों ने क्या करना,
उनकी सारी चीज़ें उठा के ले जानी, और डायनासर नाम जगह है पीछे, डायनासर हमारी झील है, तो वहाँ पे ले, उन्होंने सारा सामान उठा के वहाँ पे ले जाना, खुद पीना, खुद खाना और खूब सारे मज़े करने। हाँ। तो लोग हो गए बड़े दुखी, लोगों ने शिव की आराधना की, शिव को प्रसन्न किया, और एक दिन शिव जी सामने प्रकट हुए यहाँ पे ना। हाँ जी। तो शिव जी जी ने बोला कि भाई आप बताइए आपकी क्या दिक्कत है। तो लोगों ने बोला सर, बोला यहाँ पे आके बोला डायने हमारा सारा सामान ले जाती है और हम तो भूखे रह जाते हैं भाई, ना खाने का मज़ा है ना पीने का मज़ा, हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तब भोले जी ने उनको वरदान दिया था कि भाई आप एक रात रुक जाओ, जो भादु की 20 महीना होता है ना, भाद्र 20 ठीक है, उस रात शिव जी गए और सारी डायनों के जो है ना सर कलम कर दिए थे उन्होंने जाके वहाँ पे। तो उन्होंने ये भी वरदान दिया था उनको, गांव वालों को, आज के बाद भाई मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। डायनों का तो हो गया सर्वनाश, तब से आज तक हम इसको डायनासर ही बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट में ना सर का मतलब दोनों तरह से होता है, सिर भी होता है और सर लेक भी होता है, लेक भी होता है हमारा, जो पवित्र चीज होती है ना उसको सर बोलते हैं हम। हाँ जी हाँ। पवित्र को मतलब हर एक झील को सर नहीं बोला जाता ना। हाँ हाँ हाँ। शिव जी ने हमें वरदान दिया था कि भाई ऐसा करो आप, मैं यहीं रहूँगा, आपके पास ही रहूँगा भाई। वो वहाँ पे उन्होंने अपना प्रतिनिधि छोड़ा कोई, जिसको हम पशुपत बोलते हैं, हालांकि वो शिव जी का ही रूप है। तो उन्होंने क्या करना, साउंड करनी, मतलब लोग डरे नहीं भाई, ऐसे करनी साउंड है ना, इसका मतलब होता है हमारी जो स्थानीय भाषा है ना, पों का मतलब होता है पढ़ना भाई, गिर जाना। अच्छा। है ना, या गिर जा, या जैसे पार एक नारायण नाम की जगह है ना, वहाँ पे ऐसा प्लेन है काफी, तो वहाँ पे रहते थे बंदे, वो बड़े लंबे लंबे होते थे, 10-12 फुट के। अच्छा। हाँ। तो जो मराड़ है ना पशुपत, हाँ। वहाँ पे वो पूरा फट गया, वो पूरा मराड़, मतलब मराड़ नाम की जगह है ना जहाँ पशुपत है, तो वो पूरी फट गई थी और दो नदियां निकली थी वीरभद्र से की। अच्छा। है ना, तो वो सारी कहानी है यहाँ की। मैं तो आपको 5,000 साल पहले भी ले गया ना, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग बताते थे, और हम तो इसको इतिहास ही समझते हैं। हाँ बिल्कुल, पता होना चाहिए अपने थोड़ा अतीत का, कि कैसे कैसे अस्तित्व में आया गांव या कुछ है, चाहे चाहे मिथ हो चाहे सच्चाई हो, पर लेकिन हाँ जानकारी जरूर होनी चाहिए। एक्चुअली में तब हम लोग ना लिपिबद्ध नहीं कर पाते थे ना। हाँ तो ये भी है, थी है ना? हाँ जी, तो हाँ। हम अपनी जो अपना जो इतिहास है ना पीढ़ी वाइज दूसरों को बताते थे। शंटू भाई से ये दिलचस्प कहानी जानकर फिर मैं आगे गाँव की तरफ चल दिया। देव पशाकोट का मूल स्थान यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर मरहाड़ नामक जगह पर है। यहाँ पर एक और दुकान है और इधर भी सब ताश खेलने में बिजी हैं। नीचे की तरफ यहाँ गांव का प्राइमरी स्कूल है और बच्चे मुझे देखकर हेलो बोल रहे हैं। ऊपर की ओर यहाँ मिडिल स्कूल भी है। यहाँ पर घर बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर एक नया घर भी बनाया जा रहा है। कुछ घरों में आजकल ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल भी होने लगा है। ये सब तभी संभव हो पाया है जब यहाँ पर सड़क बन गई, वरना मटेरियल यहाँ तक पहुँचाना भी आसान नहीं था। अधिकतर घरों की छत पर अब टीन के पत्रे प्रयोग किए जा रहे हैं, वरना पहले ये छतें भी स्लेट या फिर लकड़ी की ही होती थी। सर्दियाँ आ गई हैं तो यहाँ पर हर एक घर में लकड़ी का भरपूर स्टॉक जमा करके रखा गया है। बर्फबारी के बाद तो फिर यहाँ पर आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सब लोग पहले ही सर्दियों का स्टॉक जमा करके रख लेते हैं। सभी घर यहाँ पर लगभग एक ही स्टाइल में बने हुए हैं। नीचे वाला पोर्शन पशुओं के लिए जबकि ऊपर खुद रहने के लिए है। घर देखने में काफ़ी पुराने लग रहे हैं और यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी घर बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि सालों साल तक ख़राब नहीं होती।
यहाँ के ज़्यादातर लोग भेड़ पालक होते हैं और आजकल सर्दियों के मौसम में अपनी भेड़ें लेकर निचले हिमाचल की ओर चले जाते हैं। फिर गर्मियों के मौसम में यहाँ से आगे धौलाधार की घाटियों या फिर उसे पार करके लाहौल की तरफ भी निकल जाते हैं। भालू तो नहीं होते? मेरे ऊना हाँ जी वो हमारे उधर तो बहुत जाते हैं वहाँ आजकल जैसे सर्दियों में ना। और साथी आने थी ना? नहीं बस अकेला आया हूँ जी। जब आइए इस मंदिर में कोई डर नहीं। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए उसी रास्ते से होकर जाना पड़ना था जहाँ से मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ गांव में मुझे बताया कि आप यहाँ से आगे भुजलिंग गांव के लिए भी निकल सकते हैं और गांव भी सामने ही दिखाई दे रहा है। और भुजलिंग से वापसी में मैं वो नीचे नाले के रास्ते से होते हुए छैरना गांव के उस प्रोजेक्ट पर निकल सकता हूँ, तो मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा सही लगा। टाइम भी अभी एक ही बज रहा है और मुझे 4 बजे तक लोहारड़ी पहुँचना है, तो मेरे पास अभी 3 घंटे हैं। पोलिंग से देखने में तो भुजलिंग सामने ही लग रहा था, लेकिन इतना पास है नहीं, जंगल का रास्ता है और यहाँ पर है भी कोई नहीं। यहाँ जंगल में एक छोटा सा मंदिर भी है और ये मंदिर देव अजयपाल का है। इस घाटी में वैसे देव पशाकोट की ज़्यादा मान्यता है। देव अजयपाल मुख्य रूप से राजगुंधा की तरफ पूजे जाते हैं और उनका मूल स्थान भी उसी घाटी में है। रास्ते में यहाँ पानी का नल है और आप ठंड का अनुमान यहाँ जमी बर्फ से लगा सकते हैं। भुजलिंग का रास्ता इस नाले को पार करते हुए निकलता है और मुझे यहाँ पर ये मैडम भी मिल गई जिन्होंने आगे जाने का रास्ता बताया। इसी नाले में आगे जाकर देव पशाकोट का मूल स्थान मरहाड़ है और देहनासर लेक का ट्रैक भी इसी घाटी से होकर जाता है। वो नाला पार करके मैं आगे गया तो भुजलिंग गांव अब थोड़ा पास दिखाई देने लगा है, लेकिन बीच में लंबा दुग नाला है। अभी देखना पड़ेगा कि इसे पार करने का पुल कहां पर है। पगडंडी जैसे रास्ते से होते हुए मैं यहाँ इस नाले के किनारे तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ इसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं दिखाई दे रहा। आगे जाकर शायद कोई पुल हो, लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। मैंने वापस ऊपर को जाकर देखा कि शायद कोई रास्ता बना हुआ दिखे, लेकिन अभी लग रहा है कि नाले को ऐसे ही पार करना पड़ेगा। आजकल इन छोटे नालों में पानी काफ़ी कम रहता है, इसीलिए कहीं सही जगह देखकर जहां पत्थर पास पास हों वहां आप बिना भीगे इसे पार कर सकते हैं, वरना गर्मियों और बरसात के मौसम में ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, फिर भले ही वो नाला छोटा हो या बड़ा। नाले को पार करके फिर मैं पहुंच गया भुजलिंग गांव में। भुजलिंग की शुरुआत में ही आता है गांव का प्राइमरी स्कूल और अभी स्कूल में छुट्टी का समय हो गया है। बस देख रहा हूँ, अभी आया हूँ, पोलिंग से आया मैं, नदी पार करके। दूर है?
मंदिर तो जंगल में है। अच्छा, एक घंटा लग जाता है। यहाँ भुजलिंग गांव तक आने के लिए सड़क नहीं है, पीछे छैरना के पास उस हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही यहाँ तक पैदल रास्ता आता है जो कि करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबा होगा। यहाँ पर भी पोलिंग गांव की तरह लकड़ी के घर हैं और सर्दियों में जलाने के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा आदि सब जमा करके रखा है। अभी तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरी है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ सब कुछ बर्फ से ढक जाएगा। ये एक काफ़ी पुराना घर लग रहा है और इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें अब कोई नहीं रहता। कहाँ जा रहे हो? घर को। यहाँ फिर भुजलिंग गांव भी खत्म हो जाता है। ये इस घाटी में स्थित आखिरी गांव है, इसके आगे अब कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। आगे विशालकाय धौलाधार पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से ट्रैक करके मुकुड़ी जोत जाया जा सकता है। उसके आगे फिर ट्रैकर्स कुल्लू, लाहौल या बड़ा भंगाल की तरफ भी चले जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। टाइम करीब 2:30 बज रहे हैं और मुझे 4 बजे तक लोहारड़ी पहुँचकर ब्रोड की लास्ट बस भी पकड़नी है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि लोहारड़ी तक कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, बाय बाय। फिर मैं जल्दी जल्दी वापसी की राह पर चल पड़ा। ये रास्ता लंबादुग नाले के साथ साथ है और उतराई है तो जल्दी जल्दी तय हो पा रहा है। यहाँ इस नाले पर ये एक पुल बना है जिसका एक हिस्सा ढह गया है। ये पुल उस तरफ पोलिंग गांव जाने के लिए रास्ता है और पिछली बरसात में इसकी एक साइड बह गई। अभी इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा रखी है। भुजलिंग से करीब आधे घंटे में मैं यहाँ सड़क पर पहुँच गया हूँ। इसमें मेरी उम्मीद से काफ़ी कम समय लगा। अभी और 15 मिनट में मैं लोहारड़ी पहुंच जाऊंगा। पोलिंग और छैरना गांव के लिए कोई बस नहीं आती, इसलिए सब लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं। जल्दी ही फिर मैं पहुंच गया लोहारड़ी। अभी 4 बजने में तो आधा पौना घंटा बाकी है। ब्रोट यहां से 6 किलोमीटर दूर है और मैं बस में ही ब्रोट जाऊँगा। हाँ, आप यहाँ पे जॉब करते हैं? यहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। ओके, वैसे कहाँ से आप? मैं धर्मशाला से। धर्मशाला से, ठीक है ठीक है। अभी यहीं पे है आपका एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मेरा ब्रोट में है। ब्रोट में, अच्छा। तो अभी शाम ढल गई है और धूप यहाँ से चली गई है, इसलिए अब ठंड काफ़ी लग रही है।
थोड़ी ही देर में ये प्राइवेट बस यहाँ पर आ गई। लास्ट बस तो यहाँ से 4 बजे है, लेकिन मैं इसी बस में यहाँ से चला जाता हूँ। अभी टाइम 3:30 हो रहे हैं। ये लवाई गांव के पास किसी ने आग भी लगा रखी है और ये आग मंदिर तक पहुंच गई है। ये आग लोगों द्वारा खुद ही लगाई जाती है ताकि उनकी घासनियां साफ रह सकें। और ये बैजनाथ लोहारड़ी बस भी यहां पर पहुंच गई है, जो कि अब कल सुबह यहां से वापस जाएगी। पंद्रह बीस मिनट में फिर मैं वापस ब्रोड पहुंच गया। अभी हमारी ये बस आगे कोठी कोहड़ व बड़ा ग्रां की ओर जाएगी। मैं भी कल सुबह उसी तरफ जाऊंगा, जो आपको इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में दिखाएंगे। फिर मैं धीरे धीरे अपने रूम की ओर चल पड़ा। शाम होते ही यहाँ सब कुछ एकदम शांत हो जाता है और ठंड तो एकाएक बढ़ जाती है। जल्दी ही फिर मैं अपने रूम पर पहुँच गया। आज करीब 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों पर पैदल चला हूँ, लेकिन थकान बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन अभी यहाँ पर करने को कुछ नहीं है, इसलिए टाइम से खाना वाना खाकर सो जाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको छोटा बंगाल रीजन का ये छोटा सा टूर सही लगा होगा। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। अगर हमारे लिए आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में हम आपको HRTC बस से लेकर जाएंगे ब्रोड से बड़ागरा, जो कि छोटा बंगाल रीजन का ही हिस्सा है। वहां आपको राजगुंधा भी लेकर चलेंगे, जो कि इस घाटी का उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट है। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज़ के अगले पार्ट में। धन्यवाद।